हेलो, क्या आप अपना गिटार परचेज करने के सिर्फ 2 कदम दूर हैं? तो ज़रा ठहरिए। आज के इस वीडियो के थ्रू हो सकता है आपका जो वो डिसीजन है वो और भी पुख्ता हो जाए। ओके, सो दिस इज़ फ्रंट रो। माय नेम इज़ अक्षय। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप गिटार एक ही बार परचेज करेंगे क्योंकि हम दूसरा गिटार तभी परचेज करते हैं कि या तो हम इतना अच्छा बजाने लग गए हैं कि हमें एक और एक्सपेंसिव और हाई डिलीवरी गिटार, मतलब हाई परफॉर्मेंस डिलीवरी गिटार चाहिए अपने स्टेज के लिए, या फिर आपके जो भी गिटार आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आपको दूसरा गिटार परचेज करना पड़ रहा है। तो हमारा एम ये है कि आप जब भी अपना पहला गिटार परचेज कर रहे हैं एज ए बिगिनर और मे बी इंटरमीडिएट ऑल्सो, हो सकता है आपको ये बेसिक्स ना पता हो, ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है इन सारे पॉइंट्स के थ्रू जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि गिटार परचेज कहाँ से करें, और आज के टाइमिंग में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो कौन सा तरीका बेहतर है? देखिए, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो पहले अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको घर बैठे डिलीवरी मिल जाएगी, है ना, और एक तरीके से बहुत सारे गिटार का ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि इतने क्योंकि इतने सारे गिटार जितने इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो किसी स्टोर में अवेलेबल नहीं हो सकते, तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। बट एज ए बिगिनर आप पहले से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सा गिटार परचेज करें कि नहीं करें, तो इसलिए मेरा मानना है कि ऑनलाइन, अगर आपकी कोई मजबूरी है कि भाई हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लॉकडाउन है, या आपकी सिटी में कोई ऐसा स्टोर नहीं है जहाँ पे जाके आप देख सकें, तो ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज माय रिकमेंडेशन वुड बी कि यू शुड ऑलवेज परचेज अ गिटार ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि गिटार एक ऐसी चीज़ है जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे खरीदी जाती है। आप उसको होल्ड करके देखते हैं, आप उसको सुनकर महसूस करते हैं कि कैसा साउंड है, इतना ब्राइट साउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें बेस ज़्यादा चाहिए, किस तरीके का साउंड एक्चुअली गिटार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इन फ्रंट ही अप फ्रंट ही महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि जब भी गिटार परचेज करें तो ऑफलाइन परचेज करें और काफ़ी गिटार्स को ट्राई करें, होल्ड करके देखें, बजा कर देखें, या आपको बजाना नहीं आता तो स्टोर वाले को बोलिए, वो भी आपको बजा के दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस तो ऑफलाइन ही है। दो बेसिक चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि टाइप्स ऑफ गिटार, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गिटार, वन इज अकॉस्टिक एंड वन इज इलेक्ट्रिक। अब आप कहेंगे नहीं, हमें तो और भी गिटार बताए, लीड गिटार भी होता है, बेस गिटार भी होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट अगर हम बजाने के नज़रिए से देखें तो दो ही तरीके के गिटार हम यूज़ करते हैं, या तो हम अकॉस्टिक गिटार यूज़ करते हैं, अब अकॉस्टिक में भी बेस गिटार होता है ना, तो इसलिए वो एक सब टाइप हो गया जो टाइप ऑफ म्यूजिक पे हुआ कि वो किस टाइप का म्यूजिक जनरेट कर रहा है। बट जनरली गिटार दो तरीके के होते हैं, अकॉस्टिक गिटार एंड इलेक्ट्रिक गिटार्स। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? अकॉस्टिक गिटार कंटेन्स ए हॉलो बॉडी, ये अंदर से एक खाली डब्बा है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक गिटार्स कंटेन्स अ सॉलिड बॉडी जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगे होते हैं और वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू आपका जो साउंड है वो ट्रेवल करता है एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर में से साउंड आता है। तो अब अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली बार गिटार परचेज कर रहे हैं, पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपका अकॉस्टिक गिटार। क्यों? क्योंकि ये एक ईजी टू कैरी एंड ईजी टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट है, आप कहीं पे भी अपने कवर में से इसको निकाल के और बजाना शुरू कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको स्टार्ट हमेशा अकॉस्टिक गिटार से करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गिटार आपको उसी कंडीशन में परचेज करना चाहिए कि या तो आपके टीचर ने आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इलेक्ट्रिक गिटार ही परचेज करें, या फिर आपका माइंडसेट है कि नहीं मुझे तो रॉक मेटल और यही चीज़ें प्ले करनी है, आई डोंट वांट टू प्ले एनी अदर स्टफ, तो यस यू कैन गो फॉर द इलेक्ट्रिक गिटार। बट अगर आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं है, आपके टीचर ने भी आपको नहीं बोला है, तो प्लीज़ स्टार्ट विद एन अकॉस्टिक गिटार। बट अगर आप अकॉस्टिक गिटार से स्टार्ट करते हैं और उसको अच्छे से प्ले कर लेते हैं तो आपको फिर इलेक्ट्रिक गिटार बजाने में कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बेसिक जो आपका है ना वो ऑलरेडी रेडी हो जाता है अकॉस्टिक पे, तो तब भी आप बाद में जाके स्विच कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पे। बट जब भी स्टार्ट करें एज ए बिगिनर यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अकॉस्टिक गिटार। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रांड्स की। अब हम कपड़े भी खरीदते हैं तो भैया ब्रांड का तो ध्यान रखते हैं, तो गिटार में क्यों नहीं? देखिए, इस वाली चीज़ को, ब्रांड वाली चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से मैंने क्या है प्राइस के हिसाब से कैटेगराइज़ किया है
कि हम तीन कैटेगरीज में मान सकते हैं ब्रांड्स को, एक होते हैं लोकल, एक होते हैं सेमी ब्रांडेड और एक होते हैं ब्रांडेड। अब तीनों का फर्क क्या है, लोकल का जो प्राइस रेंज होता है वो होता है मैक्सिमम इज 4,500, ओके, और जो दूसरा रेंज होता है सेमी ब्रांड्स का वो होता है 5,000 से लेकर 7,000, और तीसरा जो रेंज होता है ब्रांड्स का वो होता है 7,500 से लेकर एंड यू कैन गो बियॉन्ड एज मच एज यू कैन। सो अगर हम लोकल की बात करते हैं तो उसमें ऐसे गिटार्स हम लोग कंसिडर करते हैं जो 4,000 से कम कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका रीज़न ये होता है वो इतने चीप इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग भी इतना चीप तरीके से किया जाता है, उनका वुड कोई अच्छी क्वालिटी का वुड नहीं होता तो उसका ड्यूरेबिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शुरू का एक दो महीना हो सकता है वो आपको अच्छा काम दे जाए, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक 3-4 months, 6 months के प्रॉपर यूज़ के बाद आप ज़रूर से एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये गिटार गलत ले लिया हमने, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि आप ऐसे गिटार्स परचेज ना करें क्योंकि सिर्फ 1-2 हज़ार की वजह से आपका जो गिटार लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बिगड़ सकता है, तो इसलिए लोकल गिटार्स परचेज ना करें। दूसरा जो आता है दैट इज़ द रेंज बिटवीन द 5,000 and 7,000 एंड वी कॉल द सेमी ब्रांड्स। अब इसमें कुछ ब्रांड्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बट लेट मी बी क्लियर कि वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड हियर, है ना, हम आपको सिर्फ सजेशंस दे रहे हैं। तो अगर सेमी ब्रांड्स की बात करें तो इनमें आते हैं जिम, कैप्स, एक्सटैग, लायरा, ARIA एरिया या आरिया जो भी बोलते हैं, उसके अलावा केडेंस और ग्रेनेडा भी बहुत अच्छे ब्रांड सेमी ब्रांड्स हैं। मतलब ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी अब धीरे धीरे इतनी बढ़िया होती जा रही है कि हो सकता है थोड़े टाइमिंग में ये प्रॉपर ब्रांड्स की जैसे इस्टेब्लिश हो जाए। एस्टन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब गिटार के सेमी ब्रांड्स के वो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगर ये आपके आसपास अवेलेबल हैं तो आप प्ले करके देखें एंड देन डिसाइड विच वन यू आर गेटिंग। तीसरा जो रेंज होता है हमारा ब्रांड्स का, प्रॉपर ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज जो जानी जाती हैं अपने गिटार्स के लिए, उस साउंड के लिए और उस कंफर्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसी कंपनीज के नाम अगर हम बात करें तो वी कैन स्टार्ट विद यामाहा, फेंडर, एपीफोन, PRS, आइबनीज, ESP भी एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। इसके अलावा कोड भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज ए बिगिनर आपके लिए। देखिए एज ए बिगिनर से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स के लिए कोई अलग से स्पेशल गिटार आते हैं, एक्चुअली जो कम रेंज के गिटार होते हैं ना, प्राइस जिनका कम होता है उनको वो लोग बिगिनर गिटार कहते हैं क्योंकि हर कोई पहली बार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। हम ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार में ब्रांडेड गिटार खरीदें, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कॉस्टली हो बट वो वर्थ रहेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी और उसका साउंड विल मोटिवेट यू टू प्ले बेटर, है ना। तो इसलिए ट्राई योर बेस्ट दैट यू गो फॉर अ बेटर ब्रांड, नॉट ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मम्मी बिल्कुल भी मान नहीं रही है या पापा बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं इतना पैसा देने के लिए, तो ठीक है सेमी ब्रांड से भी आप काम चला सकते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर सेमी ब्रांड या ब्रांड नहीं खरीदेंगे तो आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे, आप लोकल गिटार से भी अच्छा बजा सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स, नोइंग द बेसिक्स ऑल्सो, कि अगर आपके पास मौका है तो यू शुड गो फॉर अ बेटर वन। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एसेसरीज के बारे में जो आपको गिटार परचेज करते वक्त साथ में ही ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो पहले घर वाले इतनी मुश्किल से दिला रहे हैं गिटार, अब उसके बाद हर 1-2 महीने में बोलोगे कि हाँ अब स्ट्रिंग खरीदनी है, अब कैपो खरीदना है, तो फिर और जिग होगी ना, तो इसलिए साथ में लेना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो आपको परचेज करनी चाहिए विद द गिटार वो होता है एक गिटार बैग। गिटार बैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर गिटार बैग नहीं होगा ना अच्छी क्वालिटी का तो आपका गिटार कोई सी भी कंपनी का हो उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा नहीं रहेगा, है ना। वो फिर ऐसा है कि खुला पड़ा रहता है गिटार तो वो बहुत ही बदतर सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए एक प्रॉपर गिटार बैग परचेस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक अच्छा गिटार आप परचेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी चाहिए जब भी आप गिटार परचेस कर रहे हैं वो है एक स्ट्रिंग का सेट, ठीक है। ये स्ट्रिंग का सेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का लें, बट स्ट्रिंग सेट अगर होगा आपके पास तो फिर ये है कि ऑप्शन रहेगा हमेशा। एक स्टोरी शेयर करूँ, जैसे अभी हुआ ये था कि जब पहला लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरा एक स्ट्रिंग टूट गया और उस समय मेरे पास कोई स्पेयर स्ट्रिंग सेट नहीं था। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ मंथ टू अरेंज वन फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट, बहुत मतलब ऐसे मान लो वो भी खुफिया तरीके से कर पाए तब जाके मुझे एक स्ट्रिंग मिली। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का सेट होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आपको परचेज करनी है दैट इज़ अ कैपो, ठीक है। कैपो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी शुरू में आपके काम नहीं आएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद
जब आप कॉर्ड्स प्ले करने लगेंगे ना तो हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो ऑप्शनल है कि आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। ऑफकोर्स प्लेक्ट्रम तो खरीदना ही खरीदना है, प्लेक्ट्रम के बिना बजाएंगे कैसे, है ना। अगर आप हो सकता है ऑफलाइन ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए कॉम्बो डील भी मिल सकती हैं। फ्री में तो कोई नहीं देगा, पर कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से एक डील मिल जाएगी आपको कि हाँ चलो ठीक है, ये सबका अगर आप बंडल खरीदते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि ये साथ में परचेज कर लें तो बार बार झिकझिक नहीं होगी घर पर। दो इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके अलावा भी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, मेरा पर्सनल ओपिनियन पता है क्या होता है गिटार परचेज करने को लेके, यू डोंट नीड टू परचेज अ न्यू वन। नहीं, मैं आपको सेकेंड हैंड परचेज करने की राय नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ अनयूज्ड गिटार, है ना। आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में या आपके रिश्तेदारों में, कजन्स में, किसी ना किसी के पास अनयूज्ड गिटार पड़ा होगा। अनयूज्ड क्यों पड़ा होगा? क्योंकि गिटार जो है गिफ्टिंग के भी बड़े काम में आते हैं। बहुत लोग गिटार गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को बिना ये जाने कि कोई दूसरा सामने वाला सीखने में या बजाने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे गिटार्स स्टोर रूम में पड़े पड़े बेचारे सड़ते रहते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई गिटार ढूंढ पाएँ और उसका एक तरीके से जीवन हम बचा लें तो एक तरीके से दो फायदे हो गए। एक तो हम भी, हमें गिटार मिल गया सीखने के लिए और उस गिटार को भी नई लाइफ मिल गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए नो डाउट मैं जानता हूँ कि हम एक बहुत ही वाइब्रेंट कंट्री में रहते हैं, है ना। हमारे इकोनॉमिक लेवल्स जो हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, है ना। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, हर कोई महंगा गिटार नहीं परचेज कर सकता। तो अगर आपका बजट सही में बहुत लो है कि बहुत मुश्किल से 4,000 रुपये आए हैं, अब 4,000 में अमेजोन पे गिटार मिल रहा है, तो फिर उस केस में ठीक है आप ले सकते हैं। बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि जो भी गिटार आप परचेज कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट रॉड ज़रूर हो। ट्रस्ट रॉड क्या होता है? देखिए, आपका जो फ्रेटबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो फ्रेटबोर्ड और नेक है ना, इसके अंदर एक लोहे का रॉड होता है जो गिटार एक्शन सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिटार एक्शन क्या होता है? आपके फ्रेटबोर्ड और आपके स्ट्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम गिटार एक्शन कहते हैं। तो अगर आपके गिटार में ट्रस्ट रॉड नहीं है ना, इसका मतलब आपका एक्शन कभी भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर वो कभी बढ़ गया तो फिर वो बढ़ा हुआ ही रहेगा, और कम हो गया तो फिर वो चिपक जाएगा। स्ट्रिंग्स जो हैं वो चिपक जाएंगी फ्रेटबोर्ड से। तो इसलिए अगर आपको चीप गिटार भी परचेज करना पड़ रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई कि आपके गिटार में ट्रस्ट रॉड ज़रूर हो। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना पहला गिटार परचेज करें, या दूसरा तीसरा भी हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और इन वीडियोज़ के थ्रू हमारा यही एम है कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड अपने जो थॉट्स हैं कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि क्या और बेहतर कर सकते हैं हम। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर से करिए।